नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपटानी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में। पहला, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं फार्मा स्टॉक्स से। एक जो रुका हुआ पैटर्न चल रहा है काफ़ी टाइम से लेके, उससे जुड़ी हुई चिंता है बहुत सारे लोगों को, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, जो कि है बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड वाई इज इट रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना है एंट्री इम्पॉर्टेंट है उतने से ज्यादा एग्जिट इम्पॉर्टेंट है। काफी सारे लोग एंट्री कर जाते हैं बट उनको ये नहीं समझ में आता कि कब वो टाइम आए कि भैया हमें एग्जिट भी तो करना है। जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दोनों ही अहम मसलों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले शुरुआत करता हूँ फार्मा स्टॉक्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है, सर आई ऑयल केमिकल्स कब बढ़ेगा, सर कैपलिन लेबोरेटरीज को क्या हो गया, ये रुक क्या है, दीपक नाइट्रेट सर इतना बढ़िया फर्टिलाइजर कंपनी, इतना प्रॉमिसिंग, 800 को पार किया, उसके बाद से गिरता चला गया, 700 तक पहुंच गया तो ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वहां पे भी मैंने काफ़ी लोगों को बोला था संयम से काम लो, ये उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा वहां पे एक सपोर्ट का लेवल है उसके पास एंड उसने वहीं से ग्रेजुअली बहुत ही जल्दी से पिकअप किया और अभी वो इस टाइम समहाउ 760 765 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बात आती है कि आईओएल केमिकल्स जिसने बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स दिए, अब की बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत अच्छा किया, सेम गोज विद कैपलिन। ऐसा क्या हुआ कि अभी जिस दिन तक रिजल्ट आए थे तब तक जो एक सिमिलर से पैटर्न में ही चल रहा था 650 से लेके 690 के बीच में ही, आईओएल केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो वो जहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, रादर देन डूइंग दैट साइड उल्टा हो गया, 720 तक गया, उसके बाद एकदम से पलटा। ऐसा क्यों हुआ और कैपलिन के साथ भी ऐसा क्यों हुआ? दोनों के पीछे कुछ तो रीजन होगा कि जब बढ़ते हुए ट्रेंड में चल रहा है, ग्रोइंग है कंपनी। फिर भी दोस्तों एक बात हम सभी लोगों को समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मा स्टॉक्स का एक बहुत अच्छा बहुत ही कमाल का समय आया था जब आपका कोविड बिल्कुल हिट करने के फेज में था, मार्च का टाइम था, अप्रैल का टाइम था, फार्मा ने लगातार बूम किया था। आईओएल केमिकल जैसा स्टॉक जो कि 200 250 300 की रेंज में घुमा करता था वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 800 भी टच कर गया था। तो एक टाइम तो आएगा जब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब काफी लोग कहते हैं कि सर यहां तो इसका बस की हो गई, जितना होना था बस अब तो ये नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है, उसे रोक के रखिए, होल्ड कीजिए, संयम रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने उसके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मैंने कैपलिन भी ले रखा है, मैंने दीपक नाइट्रेट भी ले रखा है, बताओ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सेल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे डिप हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनीज हैं, गुड ग्रोइंग स्टॉक्स हैं। आप पी देखो, आप ईपीएस देखो, कुछ भी देखो, इसका जितनी भी मेट्रिक्स है, आरओई पकड़ लो, आरओआई पकड़ लो, हर पैरामीटर में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों को एक सिंपल सा एक वो है रिक्वेस्ट कि पैनिक की सिचुएशन मत बनाइए, आराम से होल्ड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। लर्न टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन स्टॉक मार्केट, नंबर वन। बात करता हूँ बुकिंग ऑफ प्रॉफिट की। लेकिन दोस्तों अभी जब फार्मा पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से फ्लैट चल रहा है, अगर आपने फार्मा निफ्टी को चेक किया हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है, जिसके नीचे वो नीचे ही आ चुका है पिछले महीने के टॉप से काफी। अब इसके अलावा अगर जो बहुत अच्छा पैटर्न निकल कर रहा है वो कौन से दो सेक्टर्स में निकल कर रहा है? बैंक निफ्टी और आईटी। जबरदस्त तरीके की रैली, मतलब आप यकीन मानिए मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी जबरदस्त रैली। बात आती है कि आखिर ऐसा मार्केट में चल क्या रहा है जिसके चलते बैंक्स बहुत ऊपर ही जाए जा रहे हैं या आईटी बहुत ऊपर ही जाए जा रहा है? तो आपके यहाँ बिडन साहब आए हैं और हैरिस मैम जो वहां पहुंची हैं यूएस से रिलेटेड, वो वहां का सिनेरियो रहा। कभी ये नहीं था कि भाई हमारे कुछ नहीं लगते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट दौड़े जा रहा है और कब से ही दौड़े जा रहा है। इसमें कभी तो एक लगाम आके लगेगी ना। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो प्री कोविड सिचुएशन का टाइम था जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोग आराम से जॉब्स की अच्छे चल रहे थे पैटर्न, लोग तरक्की कर रहे थे, क्या वो टाइम वापस से आ गया? ऑब्वियसली नॉट। तो एक जगह जहाँ पे लार्ज कैप तो बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो उतना ग्रो कर ही नहीं रहे। तो ऐसा कुछ तो चक्कर है ना जिसके चलते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि बॉस ये जो आज निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना जवा के अपना हाई बनाया है गजब वाला, 42,500 क्रॉस कर गया, और वहीं दूसरी ओर ये भी 12,500 क्रॉस कर गए निफ्टी साहब, तो ये कभी तो आके रुकेंगे? बस उसी पॉइंट के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने आज टेक महिंद्रा जिसको आज से कुछ महीने पहले 620 के राउंड लिया था, आज मैंने उसे 875 पे सेल आउट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मैं HDFC बैंक को भी काफी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था, 1100 के लेवल पे मैंने बाय किया था, आज उसे 1340 में मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। आज बुकिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने कर ली है।
ये वीडियो आप लोगों के लिए ये समझाने के लिए, आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, अभी करो या बाद में करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ मान के चलिएगा कि जितना एंट्री इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा गुना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझिएगा। मार्केट में जो इस टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी की तरह वो ऊपर जाए जा रहा है जाए जा रहा है, आई पर्सनली एंड फर्मली बिलीव कि इस टाइम मार्केट और GDP बहुत उल्टे जा रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कमेंट्स में ये बात मेंशन करी थी, बट समहाउ अब मेरे पास वो वक्त आया कि मैं आपको वीडियो में भी बता पाऊँ। तो मेरे हिसाब से जो इस टाइम लेवल होना चाहिए सेंसेक्स का, दैट शुडन्ट क्रॉस 38,000 to 39,000, वो फ्लैट इतने के अराउंड रहना चाहिए। बट इसमें जो ये 3 से 4 हज़ार पॉइंट की तेजी ऊपर देखी गई है वो मेरे हिसाब से इतनी नहीं बनती एज फार एज द करंट सर्कमस्टांसेज ऑफ कोविड, ग्लोबल क्यूज और बाकी सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके अगर आप चलो। तो टेक योर डिसीजन कॉशियसली, आराम से सोच समझ के। अगर प्रॉफिट बना ली है किसी स्टॉक में तो बेस्ट टाइम है, एग्जिट कर लीजिए। दिवाली तक ही मोमेंटम बहुत अच्छा रह सकता है, बट उसके बाद में वापस से डिप देखने को मिल सकता है। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरे आप बहुत प्यारे व्यूवर्स हो, मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति भी। तो जो चीज़ मैं अपने केसेस में इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का भी वो बेनिफिट हो पाए। तो अगर मैंने एग्जिट कर लिया है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अभी एग्जिट करना चाहिए, टेक अ कॉल जुडिशियसली अपने हिसाब से, बट प्लान कर लीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। बाकी मेरे पास कुछ भी इससे रिलेटेड आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। फार्मा स्टॉक्स से जो जुड़े मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप लोगों के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपका जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें आपके शेयर्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो जब मार्केट गिरेगा आपके शेयर्स उतनी बुरी तरह नहीं गिरेंगे, ये भी समझदारी वाली एक चीज़ होती है। तो उन्हें होल्ड करके चलिए, अगर आप अभी लॉसेस में हैं तो उससे ज़्यादा पैनिक ना हो, रखिए आराम से रखिए। आज तो इनफैक्ट सिप्ला तक नीचे गिरा है बॉस, सिप्ला तक भी आज देखो 751 तक चला गया था, फिर उसके बाद बड़ा 61 तक आया, जैसे तैसे करके वापस 770 तक पहुंचा। तो जब इतने प्रॉमिसिंग स्टॉक्स भी, आज फार्मा की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी ज्यादा फ्लैट रेंज रही, डिप आया काफी ज्यादा, तो उससे डरिए मत, उसे होल्ड कीजिए। डेफिनेटली फार्मा का जैसे ही वापस से एक थोड़ा सा दौर आएगा, एक पर्टिकुलर महीना आएगा जिसमें सारे के सारे रैली करेंगे, उस टाइम आपको अच्छे से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बट टिल देन जस्ट होल्ड देम, एंड मिलूंगा आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।